नमस्कार, आज हम बनाएंगे राजमा मसाला। ऑर्डिनरी राजमा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वाद देंगे मैगी मसाला ये मैजिक के साथ। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 1 कप राजमा ले लिए हैं, वज़न में ये 200 ग्राम है। इसे अच्छे तरीके से धोकर और 7-8 घंटे पानी में सोख करके ले लिया है। ये भीगे हुए राजमा हैं, अच्छे तरीके से भीग गए हैं। आप इन्हें काट कर देखें, एकदम नरम हो गए हैं। इसी तरह के राजमा होने चाहिए, ये भीग कर नरम हो जाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब चलते हैं गैस की ओर, इन्हें उबलने के लिए कुकर में डाल देते हैं। 2 कप पानी, उबालते समय बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। 1 छोटी चम्मच नमक और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। राजमा उबालते समय बेकिंग सोडा ज़रूर डालिए, इससे बहुत जल्दी उबल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। अब 1 सीटी आने तक इसे कुक होने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई, फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर अब राजमा को 7 मिनट उबलने देंगे। इसे धीमी फ्लेम पर पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं, कुकर को इधर रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। और इधर हम राजमा के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल और इसे गरम होने देंगे। गरम ऑयल में जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा धीमा ताकि मसाले जले ना। 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इससे ग्रेवी में थिकनेस आती है और टेस्ट तो आता ही है। और ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे क्रश करके डाल दें, तेल में ही थोड़ी सी भुन जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। हल्का सा भून लें इन्हें। ये 3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरे मिर्च, छोटे छोटे हैं 3 ले लिए हैं, बड़े हैं तो 2 ही लीजिए। और इस मसाले में ये टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, ½ छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप इसे डायरेक्ट तेल में मत डालिए क्योंकि ये जल्दी से जल जाती है। अब मीडियम फ्लेम पर मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि अच्छा सा ये थिक नहीं हो जाता और इससे तेल अलग नहीं होने लगता। मसाले को इस तरीके से आप ढक कर के भी कुक कर सकते हैं क्योंकि इसके छींटे थोड़े से, और हर 2-3 मिनट में इसे हम खोल कर चलाएंगे ज़रूर। चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे तरीके से एक जैसा भुन जाए और नीचे कढ़ाई में लगे ना। मसाले से ऑयल अलग हो रहा है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। और इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच नमक, राजमा में तो हमने पहले ही डाला हुआ था, ये मसालों के लिए है, या स्वादानुसार ले लीजिए। तेल अच्छी तरीके से तैरने लगा है और मसाला काफ़ी थिक हो गया है और महक भी आ रही है इससे, भुन चुका है। इतना भूनना बहुत ज़रूरी है, जब ये अच्छे तरीके से पक जाता है तभी अच्छा टेस्ट आता है। अब राजमा चेक कर लेते हैं। कुकर खुल गया, देखने में ही लग रहा है ये अच्छे से उबल गए। एक दबा के देख लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया उबले हैं। और अब राजमा को पानी सहित ही डाल देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, इतना तो हमें चाहिए। इसे ढककर 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि राजमा के अंदर सारे मसाले समा जाएं। इन्हें 3 मिनट कुक कर लिया, राजमा ऑलमोस्ट कुक होकर तैयार है। और अब इसमें डालेंगे मैगी मसाला ये मैजिक का 1 सैसे। मैगी मसाला ये मैजिक में है जायफल, इलायची, लौंग, जीरा और काली मिर्च जैसे कुछ खास मसाले जिन्हें धीमी आंच पर भूनकर एक खास मसाला मैगी ने बनाया है। मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। ये राजमा हो गए तैयार, इन्हें ढककर 2 मिनट रख देते हैं। और देखिए कितने अच्छे राजमा बने हैं, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे और थिक होते जाएंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। राजमा मसाला बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है।
इसके साथ में आप चपाती, पराठे, नान या राइस कुछ भी परोसिए, बहुत पसंद आएगा। और इतना राजमा परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राजमा बनाना है तो इसे आप 6-7 घंटे पहले भिगोइए ज़रूर और मसाले को अच्छी तरह से भूनिए। बहुत ही अच्छा राजमा मसाला बनकर तैयार होगा। तो आप इसे मैगी मसाला या मैजिक के साथ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।